हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सारे एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं, उसमें एक्सटर्नल लॉक मतलब डुअल सिक्योरिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन की जो प्राइवेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको कोई फेक कॉल आता है या कुछ भी आता है और वो किसी तरह से आपके फ़ोन को हैक करना चाहते हैं, तो अगर आपके किसी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी होगा तो वो इतना आसानी से हैक नहीं हो पाता। तो चलिए आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि आप उस लेयर को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप यूज़ करते हैं MI के फ़ोन, तो उसके लिए आपको जाना होगा सिक्योरिटी के अंदर। ये MI के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट सिक्योरिटी ऐप है, इसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ये ओनली फॉर सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। तो आपको जाना है फाइनली इसके नीचे, और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे ऐप लॉक यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर, ये इस पर आपको करना है क्लिक। मैंने इस पर ऑलरेडी सिक्योरिटी लगा रखा है, तो अब मैं इसे खोलूँगा, और खोलने के बाद मैंने अपने YT स्टूडियो को लॉक कर रखा है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें लॉक करके दिखाऊंगा, जैसे कि मेरा फ़ोन पे, उसके बाद मैं अपने WhatsApp को लॉक करता हूँ, और भी आपको जो जो लॉक करना हो सारी चीज़ों को आप लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक नोटबुक है उसे मैं लॉक करता हूँ यहाँ पर। Amazon रिकॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी मेरी जो प्राइवेसी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरी HDFC बैंक अकाउंट, या फिर मेरे को कुछ और चीज़ें फॉर एग्जांपल के लिए मेरा पेटीएम अकाउंट, इन सभी को मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया है। हाइड तो नहीं कर सकते, बट मैंने इस पर एक ऐप लॉक लगाया है, उसे खोले बिना कोई भी मेरे जो है एप्लीकेशन की एक्सेस को नहीं ले सकता। तो चलिए ये देखते हैं मैंने जिन जिन एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी लगाया है वो कैसे है। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप YT स्टूडियो, इस पे मैंने किया क्लिक, तो ये आ गया आपकी एप्लीकेशन। अगर इस पे कोई 2-3 बार ट्रायल करता है उसके बाद ये नहीं खुलेगा, तो ये क्या ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ आ गया इंटर ऐप लॉक पासवर्ड, अभी आपके फिंगर से किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा अगर कोई भी अननोन पर्सन इसे ट्राई करता है। फिर हमें जो है इस पर अपना जो है पासवर्ड डालना होगा जब ये खुलेगा, जैसे कि देख रहे हैं अभी ये खुल चुका है। तो अब इस पर अगर आप दोबारा ट्राई करेंगे अपने फिंगर को तभी ये काम करेगा, वरना ये नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो है फ़ोन पे अकाउंट, इस अकाउंट पे मैंने ये क्लिक किया, पहला सिक्योरिटी ये है, जिसे कि मैं इसे खोलूँगा तो ये नेक्स्ट सिक्योरिटी पे जाएगा, जिसे कि इसकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है फ़ोन पे का, वो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, या तो फिंगर लगाओ या तो पिन डालो इस पर। तो मैं यहाँ पर फिंगर लगाऊँगा, जैसे फिंगर लगाया ये एप्लीकेशन खुल गया, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे 2 रिवॉर्ड भी मिले हैं, उसे जरा मैं चेक कर लूँ क्या मिला हुआ है। एक तो मेरे को फ्लिपकार्ट का कूपन मिला हुआ है, जो कि 500 तक की जो है, इसमें मेरे को अगर अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं 500 तक की तो मेरे को कुछ ऑफ़र मिलेगा। देन सेकंड भी वही है, 100 रुपये फ्लैट ऑफ, कुछ भी शॉपिंग करो 100 रुपये की फ़्लैट ऑफ लो। तो ठीक है, तो गाइस आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।